होटल ढाबों ठेले वालों और खोमचो वालों को अब नेम प्लेट लगानी होगी। जो लोग खाना बना रहे हैं उनका पुलिस को वेरिफिकेशन भी करना होगा और बाकायदा बोर्ड भी लगाने होंगे। इसको नेम प्लेट पार्ट टू बताया जा रहा है। इन तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये लोग इस आदेश को, योगी सरकार के इस आदेश को किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या इन लोगों की सोच है। सर आपका नाम जानना चाहूंगा। कुलदीप तोमर। कुलदीप भाई, क्या लग रहा है आपको जो नया आदेश आया है? होटल ढाबो और खोमचे वालों को ही नहीं, नेम प्लेट तो सभी को, जो बड़े होटल हैं और खाने पीने की चीजें बेचने वालों को की पहचान के लिए सभी की होनी चाहिए। खाद्य वस्तुओं में मिलावट की जा रही है तो ये आदेश मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ठीक लग रहा है जी। अच्छा, सही है आपके? जी सही है। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है, तरह तरह की वीडियो जिन्हें देखकर बड़ा अजीब लगता है, क्या उस पर कहना चाहेंगे? ये तो देखो सर, फैलाई हुई चीजें होती हैं। अभी जब कावड़ चल रही थी, जब भी योगी जी ने एक आदेश दिया था उसमें भी तरह तरह की बातें फैलाई जा रही थी, और ये तो सोशल मीडिया है किसी पार्टी विशेष की, वो करते हैं किसी जाति विशेष का, किसी धर्म विशेष का व्यक्ति बना करके उसे और वायरल करते हैं, ये गलत है। इस पे भी रोक लगनी चाहिए, इस पर भी रोक लगनी जी। लेकिन आपको लगता है कि भाई पुलिस का वेरिफिकेशन होगा जो लोग होटल ढाबों पे होंगे? हाँ, होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। सर आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है वैसे आपको? बस सही लग रहा है जी। अच्छा, जो कानून है सही है, नेम प्लेट लगनी चाहिए। हाँ। अच्छा, क्या फायदा होगा वैसे जिससे नेम प्लेट? देखिए, फायदा तो कुछ नहीं है, ये तो एक सरकार है जो फैसला ले रही है सही ले रही है। मैं आम जनता का एक सिपाही हूँ, कुछ बोलूंगा तो शायद मुझ पर उल्टा पड़ जाए। तो कैसे, जैसे ही आपने देखा होगा बहुत से लोग बाग अपने नाम पे लिखवा लेते, चौधरी, गुज्जर, हर जाति धर्म लिख जाते, उस पर चलान काटती है पुलिस है। और होटलों पे और ढाबों पे इन पे नाम होना चाहिए। तो ये देखे इसका क्या तात्पर्य मिल लगाओगे आप जानते होंगे बेहतर। क्या लग रहा है सर आपको? ये बात भाई ने सही कहा, अगर आज किसी भी जात बिरादरी का व्यक्ति अपनी गाड़ी के पिछली तरफ जाट लिख ले, अपना नाम लिख ले या गुज्जर लिख ले तो उसको चालान किया जाता है। ठीक है। और होटल ढाबों पर कह रहे जबरदस्ती की आप नाम लिख लो, नाम लिखना एक सही चीज है, कोई गलत नहीं है। रही बात वीडियो की, वीडियो तो ये गलत मैसेज समाज को फैला जाता है। अब आप, हम यहाँ इतने लोग खड़े हैं, कितने लोग हैं, एक दुकान वाला यहाँ फल बेच रहा, अगर वो उसके थूक लगा रहा होगा तो हम अंधे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, वीडियो बनाओगे हम उसकी? तो ये सब चर्चा गलत है, ये एक प्रोपगंडा फैलाया जा समाज में, एक समाज को बांटने के लिए और समाज के अंदर एक घृणा पैदा करने के लिए ये सब फैलाया जा। तो एक ये वाली बात आई कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कितने लोग काम कर रहे हैं उनके नाम होंगे, होना चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन? देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन ये जीएसटी का मामला है, जीएसटी वाले जब रजिस्ट्रेशन किसी भी होटल का, रेस्टोरेंट का होगा, वो अपना नाम भी लिखता है और प्रोप्राइटर भी लिखता है और वेरिफिकेशन भी होता है। अब रही बात रेडी ठेली वालों की, ये छोटे एक मझले आदमी है, गरीब आदमी है, उनका आप कुछ भी कानून लगा सकते हो, कोई इसमें कोई जोर जबरदस्ती। आप क्या, इन सबकी तो बातें सुन ली, आपको क्या लगता है जो पुलिस वेरिफिकेशन वाली बात है, नेम प्लेट लगाने वाली बात है? देखिए, दो आदेश है, एक है कि पुलिस वेरिफिकेशन होगी, विजिलेंस होने में कोई दिक्कत नहीं है, आप हर जगह आप जो है आदेश करिए कि सबकी जांच हो, सब सबका पता रहे कि वह कौन कहाँ काम कर रहा है। दूसरी बात है कि आपको नेम प्लेट लगानी है, ये तो आप ये माने कि ये कौन सा सरकार क्या मुद्दे को अपने उसको लाना चाहती है सामने, तो आप नेम प्लेट लगाए फिर तो हर एक आदमी को नेम प्लेट लगा के घूमनी चाहिए हर समय, केवाईसी हर एक का होना चाहिए। दूसरी बात, आप खाने पीने की चीजों में आप कह रहे हैं भाई ये आप नेम प्लेट लगा के घूमे, तो इसका मतलब है आप सामाजिक ताने बाने को छिन भिन करना चाहते हैं, आप एक धर्म विशेष वालों को एक अलग रखना चाहते हैं कि कोई उसके उनसे सामान ना खरीदे, आदमी धर्म देख के, जाति देख के जो है सामान खरीदे, उसकी दुकान पे जाए, तो ये जो है ये सामाजिक ताने बाने को छिन भिन करने वाला निर्देश है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पहले में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश कर दिए थे कि इस तरह की कोई जो है आदेश का पालन नहीं होगा, और इस बार भी जो है ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ ये जो है निर्देश वैसे ही वापस हो जाएगा जैसा पहले। क्या लगता है सर आपको, जो ये नया आदेश आया कह रहे हैं कि भाई ये नेम प्लेट पार्ट टू है? देखिए, नेम प्लेट में कोई गलत नहीं है, लेकिन मंशा साफ होनी चाहिए। इसके पीछे लगता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, वो जाति में, धर्म में बांटना चाहती है। और रही वेरिफिकेशन की बात, तो वेरिफिकेशन के नाम पे तमाम विभाग वहां पर है, जैसे कोई भी ठेली लगाता है, खोमचा लगाता है, तो नगर निगम उसका अपने आप से ख्याल रखता है, वहां उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ढाबा करता है तो वहां फूड इंस्पेक्टर घूमते हैं, वो तमाम उनके पास सारी चीजें हैं। लेकिन नाम लिखने के पीछे सीधी सीधी ये मंशा है कि एक धर्म को सीधे से टारगेट किया जा सके और दूसरे धर्म को ये बताया जा सके कि यहाँ से इनसे सामान नहीं खरीदना, यहाँ से खरीदना है, तो ये ठीक नहीं है। इससे बात रही हासिल, क्या हासिल होगा, इससे सिर्फ हमें नफरत हासिल होगी और कुछ हासिल होने वाला नहीं। आपको क्या लग रहा है भैया? जातिवाद में बांटने का सीधा सीधा संदेश है और
पहली बात, हम लोग गाड़ी पे गुज्जर त्यागी जाट लिख लेते हैं, उस पे योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि चलान होगा और फाइन लगेगा। लेकिन अब जो रेडी पटरी वाला जो गरीब मजदूर है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता, उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उससे टैक्स वसूला जाएगा नाम और जाति के उसको लेकर। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि जाति में बांटने का काम कर रही है योगी आदित्यनाथ सरकार, ठीक है, कर रही है। अच्छा सर, आपसे भी जानना चाहूंगा, अभी ये मेरा लोगों का सवाल था, जो सरकार का एक नया आदेश आया है कि नेम प्लेट वाली जो कहानी है कि पार्ट टू आ गया है, अपना नाम लिखे, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कौन लोग काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है? होना चाहिए सर, पता लगना चाहिए कहाँ का बंदा है, कहाँ बाशिंदा है, कहाँ काम कर रहा है, बहुत से बाहर से दूर से दूसरे देश के हैं कि नहीं है, तो होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, होना चाहिए। और जो कहा है कि नाम भी लिखेंगे, कौन कर्मचारी है उनका भी नाम लिखेंगे, इसमें थोड़ा भेदभाव बढ़ेगा, क्योंकि असल में हमें पता होगा कि कौन व्यक्ति कौन है क्या है, तो उसमें थोड़ा भेदभाव बढ़ेगा कि भाई इन लोगों से नहीं लेना चाहिए, पहले से ही ऐसा है, हो रहा है, इस सरकार में ही हो रहा है, पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, आप देखिए पहले कहाँ हुआ है। तो ये सरकार है ना, और चीजों पे काम पे ध्यान दे के इन चीजों पे ध्यान दिलाना चाहती है कि भाई आप हिंदू मुस्लिम में रह जाओ और किसी पे पढ़ाई पे शिक्षा पे किसी चीज पे ध्यान ना दो। सर कह रहे किसी और चीज पे ध्यान ही ना दिया जाए, इसलिए ठीक कह रहे हैं। अब जैसे पॉलीथिन बिखरी पड़ी है, बहुत बड़ी समस्या है सफाई कर्मचारियों के लिए, उन्होंने फैक्ट्री बंद नहीं कराते, ठेले वालों को पकड़ते हैं, नगर निगम नगर पालिका के कर्मचारी ठेले वालों को पकड़ते हैं, पकड़ना चाहिए जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन बंद कर दो तो पॉल्यूशन ठीक हो जाएगा। जो जो सीवरेज सिस्टम खराब कर रखा है पॉलीथीन ने, ये रोक लगानी चाहिए इस पे फैक्ट्रियों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लोगों की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, उसका कहना है कि पुलिस वेरिफिकेशन ठीक है, लेकिन जिस तरीके से नाम लिखा जाएगा तो नाम लिखने से कहीं ना कहीं जो आपसी ताना बाना है वो छिन भिन हो सकता है, लोगों में दूरियां बढ़ेंगी। सरकार पुलिस वेरिफिकेशन की बात कर रही है, वो ठीक है कि पता होना चाहिए कहाँ के लोग हैं, लेकिन जो नेम प्लेट को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये आदेश ठीक नजर नहीं आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।